हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत से सभी स्तब्ध हैं। शहनाज गिल सिद्धार्थ के आखिरी वक्त में उनके साथ थी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक सिद्धार्थ ने शहनाज को बताया था कि उन्हें बेचैनी हो रही है, जिसके बाद शहनाज ने उनकी माँ को फ़ोन किया। परिवार के सदस्यों के अनुसार फ्लैट नंबर 1204 में शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मौजूद थी। देर रात तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को बताया कि उन्हें बेचैनी हो रही है और सीने में दर्द है और उलझन सी है, जिसके बाद शहनाज गिल ने सिद्धार्थ की मां को फ़ोन किया। सिद्धार्थ की मां भी इसी इमारत की 6वीं मंजिल पर रहती है। सिद्धार्थ की मां शहनाज गिल के कॉल के बाद 1204 नंबर फ्लैट में आई। उन्होंने सिद्धार्थ से बात की और सिद्धार्थ को पानी देने के बाद उन्हें सोने के लिए कहा और कहा कि वे थोड़ा आँख बंद करके आराम करें। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल के हथेलियों पर ही सिर रखकर सो गए। पुलिस को दिए गए बयान में शहनाज गिल ने बताया कि उन्हें वॉशरूम जाना था, लेकिन सिद्धार्थ की परेशानी को देखते हुए वह बिस्तर से नहीं हिली कि कहीं सिद्धार्थ जाग न जाए और उन्हें बेचैनी ना हो जाए। सुबह 5:30 बजे के करीब शहनाज ने महसूस किया कि सिद्धार्थ का बदन ठंडा पड़ता जा रहा है। शहनाज ने तुरंत सिद्धार्थ की मां को फ़ोन किया और बताया कि सिद्धार्थ का शरीर ठंडा पड़ गया है। इस इमारत में सिद्धार्थ की बड़ी बहन प्रीति भी रहती हैं। सिद्धार्थ की मां ने प्रीति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूरा परिवार फ्लैट नंबर 1204 में पहुंचा। सिद्धार्थ का बदन ठंडा पड़ चुका था। परिवार ने सिद्धार्थ को बिस्तर से ज़मीन पर उतारा, उसकी सांसों को चेक किया और नाड़ी चेक की और फैमिली डॉक्टर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद तुरंत ही सिद्धार्थ को लेकर उनके जीजा, बहन और करीबी लोग कूपर अस्पताल पहुंचे, जहां सिद्धार्थ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक